हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। आज दोस्तों हम नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। इस नोटिफिकेशन में नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है लिमिटेड है, बट सैलरी स्ट्रक्चर जो है लाखों में है, राइट। और इसमें आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस में है उसमें रिटेन हो भी सकता है, बिकॉज़ अगर नंबर ऑफ़ अप्लीकेंट एक्सेस आता है जितना एक्सपेक्ट किया गया है तो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, अदरवाइज सिर्फ इंटरव्यू होगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप्स हम देख लेते हैं। इसमें जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज एंड एग्जामिनेशन फ़ी, राइट, और सैलरी स्ट्रक्चर बता दिया कि 1 लाख से ज़्यादा होगी। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर आप ये एजुकेशन चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, राइट। तो ये देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलॉन्ग विथ सैलरी स्ट्रक्चर एंड लाइक एक्सपीरियंस, राइट। यहाँ पे देखिए इंजीनियरिंग प्रोडक्शन इंजीनियर की है, इंजीनियर की वैकेंसी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सैलरी इतना है, बीटेक चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग से, केमिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग विथ 60% मार्क, मैक्सिमम एज 30 ईयर दिया हुआ है, पोस्ट क्वालिफिकेशन इन लाइन एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूस प्रोसेस केमिकल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, जो एक्सपीरियंस 1 ईयर का मांगा है, पीएसयू में वर्किंग होना चाहिए 1 ईयर और मोर, 1 लेवल बिलो स्केल, ठीक है। और जो आपका जो सैलरी होना चाहिए 6 लाख का पैकेज के साथ आपका होना चाहिए वर्किंग जो एक्सपीरियंस, राइट। दूसरा है मैनेजर प्रोडक्शन में, 45 एज दिया है, 9 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, और इसमें जो है आपका जो है 12 लाख से ज़्यादा का, 12 लाख का पैकेज होना चाहिए आपका, राइट, जहाँ पे आप वर्किंग हो, एंड देन यहाँ पे जो है 2 लाख तक सैलरी होगी, राइट। उसके बाद थर्ड प्रोफाइल जो इंजीनियरिंग मैकेनिकल में जो है, इसमें जो है आपका बीटेक चाहिए, 60% मार्क्स 30 दिया हुआ है, और इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, 6 लाख का पैकेज होना चाहिए, तो 1,40,000 तक है। मैनेजर मैकेनिकल जो है इसमें देखिए 45 साल टोटल, पोस्ट क्वालिफिकेशन इन लाइन एक्सपीरियंस 9 ईयर, राइट। अब देखते हैं इसमें जो है इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो देखिए 60% मार्क्स इसमें बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, 30% इसमें रखा है, 30 ईयर एज रखा है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, सैलरी स्ट्रक्चर जो आपका वो एक्सपीरियंस के दौरान जो आपको लास्ट वर्किंग कंपनी है उसमें 6 लाख का होना चाहिए, राइट। इलेक्ट्रिकल मैनेजर लेवल पे 45 साल एज दिया है, 9 ईयर मैनेजर के लिए, 9 ईयर और इंजीनियर के लिए 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। मैनेजर के लिए 12 लाख का CTC होना चाहिए लास्ट कंपनी में, और जो इंजीनियर है उनके लिए 6 लाख का, राइट। इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और एम्स इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, राइट। 1 ईयर का एक्सपीरियंस, 6 लाख का पैकेज इसमें होना चाहिए, तो आपको 1,40,000 पर मंथ तक मिलेगा, राइट। एंड देख लेते हैं अब इसमें जो है आठवां प्रोफाइल सिविल इंजीनियरिंग के लिए, सिविल इंजीनियरिंग 60% मार्क्स से चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस, 6 लाख का पैकेज, उसके बाद फायर एंड सेफ्टी में जो है, फायर एंड सेफ्टी में 30 एज रखा है ना इंजीनियर के लिए, 30 एंड मैनेजर के लिए आपका रखा गया है 45 एज, ये 60% मार्क्स इन द फायर इंजीनियरिंग और सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग से, मिनिमम 60% मार्क्स इन डिग्री इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल केमिकल विथ डिविजनल ऑफिसर कोर्सेस नेशनल फायर सेफ्टी कॉलेज नागपुर से, राइट। और इसमें 6 लाख का पैकेज है, राइट। एज बता दिया मैंने सबका, राइट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबका बता दिया है, राइट। उसके बाद जो है आपका पे स्केल भी उसमें मेंशन था। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज जो मैंने ये बताया था आपको, जैसे कि इंजीनियरिंग का क्या होगा, राइट, ये सब यहाँ पे दिया गया है सबका, सैलरी स्ट्रक्चर पे बैंड बेसिक 2007 में 2017 बेसिस पे, तो ये एक आपका ब्रेकअप दिया गया है जो आपका एक्सपीरियंस है उसके लिए, राइट। एंड देन फिर जाके आपका यहाँ पे इंजीनियरिंग लेवल का 12 लाख का मैनेजर के लिए, और जो आपका इंजीनियर के लिए 6 लाख का पैकेज, राइट, ये रहेगा तभी आप अप्लीकेबल होंगे। एग्जामिनेशन फ़ी 700 रुपया है, SC ST PWD के लिए कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं है, आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से फॉर्म फिल कर सकते हो, राइट। एंड नेक्स्ट अब जो है इसमें
ग्रुप ए का ये जॉब है, राइट ये मैंने बता दिया। एंड देन फिर नंबर ऑफ वैकेंसी जो है, सिलेक्शन प्रोसेस जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसमें इंटरव्यू है ओनली, इन केस ऑफ एक्सेस एप्लीकेंट के बेसिस पे आपका जो है रिटर्न एग्जामिनेशन हो सकता है, राइट। आपको अप्लाई कैसे करना है इसमें, ये देखिए नेशनल फर्टिलाइजर्स डॉट कॉम करियर पे जाइएगा, रिक्रूटमेंट इन NFL, रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस टेक्निकल प्रोफेशनल्स, राइट। आपको जो है एप्लीकेशन के ऊपर पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग मैकेनिकल ये सब या मैनेजर, ये लिख के आपको ये जो एड्रेस है इस पर आपको कुरियर करना है। लास्ट डेट क्या है, एग्जामिनेशन फ़ी बता दिया, लास्ट डेट क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ क्या है वो हम देखेंगे। आपको जो फॉर्म फिल कीजिएगा उसके बाद उसके साथ जो अटैच करके आपको भेजना है वो मैं बता दूंगा, जैसे कि आप 25 सितंबर तक ये पहुंच जाना चाहिए, राइट। और उसके बाद जो आपको इसके साथ जो हार्ड कॉपी भेजना है सेल्फ अटेस्टेड, राइट दोस्तों, वो मैं बता दे रहा हूँ, वो आपको लगा के भेजना पड़ेगा। रिजर्वेशंस हो गए, आपका बेसिक जो 10th का हो गया या ग्रेजुएशन का हो गया है ना, और उसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया। यहाँ देखिए पर्सनल इंटरव्यू सिर्फ रखा है, या एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एंड इन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट अलोंग विद ड्यूली साइंड प्रिंट आउट देयर एप्लीकेशन फॉर स्क्रूटनी एप्लीकेशन वेल डन कैंडिडेट मीटिंग फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कॉल फॉर द इंटरव्यू, राइट। लार्ज एप्लीकेशन नंबर तो रिटर्न एग्जामिनेशन दिल्ली NCR में हो सकता है, राइट। 25 सितंबर तक लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग करने का, और आपको कहाँ भेजना है हार्ड कॉपी वो भी मैंने बता दिया, राइट। एंड नेक्स्ट हमको ये देखना था कि इसके साथ आपको क्या क्या लगा के आपको हार्ड कॉपी सबमिट करना है, राइट। अब ये देखिए इसमें दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, राइट। आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, राइट। ये देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की जहाँ तक बात है, देखिए इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में कितनी वैकेंसीज़ हैं, राइट। मैनेजर इंजीनियर्स के लिए, इंजीनियर मैनेजर के लिए ये देख सकते हैं आप, राइट। 40 नंबर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं टोटल इंजीनियर और मैनेजर्स लगा के, राइट। और ये इसमें जो है आपका जो है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में प्रोडक्शन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन सिविल फायर एंड सेफ्टी डिसिप्लिन में वैकेंसी निकली हुई है, जैसा हमने पूरा डिस्कस किया है इस नोटिफिकेशन में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, और जो है आप अप्लाई कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, डेफिनेटली मैं हेल्प आउट करूंगा, या इसमें नंबर दिया गया आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट वेबसाइट जो बताया है, राइट। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन प्रोसेस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू।